जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गोगा जी के जन्म की कथा, साथ ही दोस्तों इस दिन की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, साथ ही सुनेंगे गोगा नवमी की कथा, और साथ ही दोस्तों गोगा जी अगर नहीं मिलते हैं तो किस तरह से पूजा करनी है, और जो चढ़ाया हुआ सामान पूजन सामग्री है उसको किस तरह से यूज करना है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसे दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर और जान पहचान जान के लोगों के साथ से शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए जानते दोस्तों गोगा नवमी के बारे में। भाद्रपद महीने में कृष्ण जन्माष्टमी की अगले दिन मनाई जाती है गोगा नवमी। दोस्तों ये जो त्योहार है बेसिकली राजस्थान से रिलेटेड है। इसे राजस्थान के लोक देवता के रूप में जानते हैं, जिन्हें जाहर वीर गोगा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये जाहर वीर गोगा जी का जन्मोत्सव है जो कि गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेड़ी है, और यहाँ भादो मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है, और इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। दोस्तों ये त्यौहार राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस दिन गोगा जी महाराज की पूजा करने से सर्प दंश का खतरा नहीं रहता। जिन भी घरों में ये पूजा होती है उन परिवारों में किसी की भी मृत्यु सर्प दंश से नहीं होती है। गोगा देवता को सांपों का देवता भी माना गया, और इसीलिए इस दिन नागों की पूजा करने का भी विधान है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यहाँ के पूजा स्थल की मिट्टी को अगर घर पर रख लें तो सर्प भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि अगर किसी के घर में सांप निकले तो गोगा जी को कच्चे दूध का छींटा दे, इसे सांप बिना नुकसान पहुंचाए अपने आप ही चला जाता है। और जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है उस घर के लोगों को सांप नहीं काटता है, गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि गोगा जी का जन्म कैसे हुआ। जन जन के आराध्य राजस्थान के महापुरुष कहे जाने वाले गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी, और संतान प्राप्ति के सभी प्रयत्न करने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तो एक बार गुरु गोरखनाथ बाछल देवी के राज्य में यानी कि गोगा मेड़ी में तपस्या करने आए। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गोरखनाथ ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, और साथ में गूगल नामक एक अभिमंत्रित किया हुआ फल उन्हें प्रसाद के रूप में दिया, और आशीर्वाद दिया कि उसका पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार रानी बाछल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने बाद में गुगा रखा। दोस्तों ये तो थी गोगा जी के जन्म की कथा। अब हम सुन लेते हैं गोगा नवमी की कथा। कहते हैं दोस्तों जो भी व्यक्ति गोगा नवमी की पूजा करते हैं उन्हें ये कथा जरूर से सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से है कि ऐसा माना जाता है कि जब गोगा की शादी के लिए राजा मालव की बेटी सुरियल को चुना गया तो राजा ने शादी करने से मना कर दिया। इसे गोगा बहुत दुखी है, और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को ये बात बताई, और इस पर गोरखनाथ ने वासुकी नाग को राजा की बेटी पर विष से प्रहार करने को कहा, और वासुकी नाग के विष के प्रहार को राजा के वैद्य भी नहीं तोड़ पाए, और बेटी की दशा बहुत अधिक खराब होने लगी। और इस पर वासुकी वेश बदल कर राजा के पास गए, और उन्होंने एक शर्त रखी कि वे इसका विष का जो असर है वो खत्म कर देंगे अगर वो अपनी पुत्री का विवाह गोगा जी के साथ कर देंगे। तो उन्होंने इसका वचन दिया। तब उन्होंने गूगल मंत्र का जाप करने को कहा। गूगल मंत्र के जाप से विष का असर कम हो गया, और इसके बाद राजा ने अपने वचन के अनुसार गोगा देवता से अपनी बेटी की शादी कर दी। तो ये तो थी गोगा नवमी की कथा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि गोगा नवमी के दिन में पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा के लिए नवमी के दिन आप एक चौकी लगाएं। चौकी पर जो है थोड़े से गेहूं आपने रख देने, गेहूं के ऊपर आपने गोगा जी का जो गोगा जी घोड़े के सही जो मूर्ति है वो रख लेनी। दोस्तों ये मूर्ति मार्केट में भी मिल जाती है, और कई जगह कुम्हारिन जो है वो नवमी के पहले इस मूर्तियों को बेचने के लिए आती हैं। और अगर आपको अवेलेबल नहीं होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, कच्ची मिट्टी से घोड़ा बनाएं, उसके ऊपर भाले सहित एक सवार जो है वो बना लें,
और इस तरह से आपने मूर्ति को तैयार कर लेना है और फिर इस मूर्ति को आपने गेहूं के ऊपर विराजित कर देना है। फिर एक प्लेट में आपने पूजन सामग्री में रोली, चावल, पुष्प, गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ी सी मूंग की दाल, खीर, चूरमा और राजस्थान में इसे बाजरे की रोटी का इस दिन भोग लगाया जाता है, तो वो भोग के लिए रोटी या गुलगुले जो भी आप प्रसाद के रूप में रखना चाहते हैं वो सब प्लेट में रख लें। फिर चौकी के चार कोनों पर चार बिंदी बनाएं, लोटे पर स्वास्तिक बनाएं और ये सब करने के बाद में गोगा जी को आप रोली चावल से तिलक करें, पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, जो भी भोग आपने लगाया वो आपने गोगा जी को अर्पित करना है, उसके बाद में जल पिला देना है। साथ ही दोस्तों आपने कच्चे दूध के छींटे जो है वो जरूर से देने चाहिए और घोड़े को चने की जो दाल है वो जरूर से खिलानी चाहिए। इस तरह से पूजा करने के बाद में आपने इस गोगा नवमी की कथा को सुनना चाहिए। और दोस्तों इस दिन रक्षाबंधन पे बांधी हुई जो राखी है वो गोगा जी पे अर्पित की जाती है, तो आपके घर में जो भी लोग हैं सभी ने अपनी इस दिन राखी को उतार के गोगा जी को अर्पित कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपने करनी है गोगा नवमी की पूजा। साथ ही दोस्तों कहीं कहीं पे इस दिन सांप की बांबी की पूजा करने का भी प्रचलन है और ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से नागों के देव गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये थी गोगा नवमी की कथा और व्रत तथा पूजा विधि। साथ ही दोस्तों आप ये जान लेते हैं कि जो पूजन सामग्री हमने चढ़ाई उसका करना क्या है। साथ ही दोस्तों दक्षिणा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। फिर आपने करना क्या है, पूजन की भी मूर्ति को या तो आप घर के किसी गमले में दे सकते हैं, बच्चों को खेलने के लिए भी दे सकते हैं या किसी पार्क में मिट्टी जहाँ कहीं पर भी मेल्ट होके एक साथ मिल जाए वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो आपने या तो सबसे अच्छा रहेगा आपके घर में कोई गमला है तो उसके अंदर रख दें और धीरे धीरे मेल्ट होके वो आपके घर में ही जो रहेंगे ताकि गोगा जी का आशीर्वाद आपको सदा सदा मिलता रहेगा। और जो पूजन सामग्री चढ़ाई है वो आपने गाय को खिला देनी चाहिए और अगर कुमारिन आती है तो आपने पैसे रोटी प्रसाद जो कुमारिन को दे देना चाहिए। जहाँ कुमारिन नहीं आती है तो वहाँ पर आपने ये सब चीज़ें जो है वो खिला देनी चाहिए और पैसे दक्षिणा जो भी चढ़ाए वो आपने किसी मंदिर में दान कर देने चाहिए या फिर उन पैसों का अनाज लाकर पक्षियों को आपने अनाज या चावल जो भी है वो खिला देना चाहिए। तो इस तरह से आपने पूजन सामग्री को जो है वो व्यवस्थित कर लेना है। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपके सभी सवालों के जवाब देने में हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपना देश चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। हम फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जान पहचान के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में ज़रूर से लिखें गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, तो गोगा पीर की जय। और साथ ही दोस्तों मैं आपके साथ एक नया चैनल शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों जो लोग मारवाड़ी भाषा सुनना पसंद करते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, उन्हें व्रत कथाओं का सुनने का आनंद एक्चुअली मारवाड़ी भाषा में ही आता है। दोस्तों उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत जल्द आपके लिए एक मारवाड़ी चैनल आने वाला है जिसमें आप अपनी व्रत कथाओं को अपनी भाषा में मारवाड़ी सुन पाएंगे। इसलिए दोस्तों अपना आदेश चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही वीडियो चैनल पब्लिश होगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए स्टे ट्यून्ड विद अपना देश और फिर आएगा आपनो देश। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही कमेंट में जरूर से लिखें गोगा जी महाराज की जय।